आपने एक छोटे बिजनेस को शुरू किया और इस बिजनेस को अभी ग्रो कैसे करें, या आपका जो छोटा बिजनेस है उसका जो सेल है वो किसी एक जगह पे रुका हुआ है, इसका जो प्लान है उसके हिसाब से वो एक्सपांड नहीं हो पा रहा है, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और इसके लिए आपको एक सही बिजनेस प्लान आपको बनाना है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही शॉर्ट में पर्सनल डेवलपमेंट प्लान और बिजनेस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप एक आपका जो बिजनेस है इसका एक शॉर्ट रिव्यू कर सकते हैं और आपका जो बिजनेस है उसको फास्ट ग्रो कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत दे वर्मा और आप जुड़ रहे हैं प्रशांत स्टार्टअप के साथ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो अभी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, नए वीडियो अपडेट ऑटोमेटिक पाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए समझते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। बिजनेस कॉम्पिटेटिव एडवांटेज और फास्ट बिजनेस ग्रोथ को समझने के लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप के प्रिंसिपल को समझना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप मींस पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ सर्विस, क्वालिटी, बिजनेस स्ट्रेटेजी और पर्सनल डेवलपमेंट। ये जो लोग हैं ये जेन्युइन लीडर है मैनकाइंड को आगे लेके जाने के लिए और कंट्री के फिनेंशियल ग्रोथ के लिए। ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो कोर आइडिया है वो है रियल वैल्यू प्रदान करना। एक सही एंटरप्रेन्योर्स का प्रिंसिपल लोगों को खुश करना है उनके सॉल्यूशन के साथ। ये लोग पेन को डिक्रीज करने के लिए स्ट्रगल करता है और नेगेटिविटी के ऊपर जीत हासिल करता है। चलिए जानते हैं एक रियल स्टोरी से स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए बिजनेस को फास्ट ग्रोथ करने के लिए। कहीं एक जगह पे दो मेडिसिन का दुकान था, अच्छे लोकेशन में। एक मेडिसिन रिटेलर था, उसका कुछ लिमिटेड सेल होता था और दूसरे बिजनेस का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ये क्यों होता है? एक जिसका लिमिटेड सेल होता था, जब कोई कस्टमर उनके दुकान में आता था मेडिसिन के लिए, अगर उसके पास अवेलेबल है तो देता था, अगर नहीं होते तो ना बोल देता था। नो स्माइल, नो टॉक, नो एंगेजमेंट, कोई कस्टमर रिलेशनशिप नहीं था। सिर्फ 11 to 5 टाइम देखता था, बिजनेस में कोई फोकस ही नहीं था। एक लिमिटेड सेल होता था और मंडे टू सैटरडे एक ही रूटीन में चलता था। और दूसरे दुकान में जब कोई कस्टमर आता था सबके साथ फ्रेंडली था और सबको सर, मैडम, अंकल, आंटी बोल के रेस्पेक्ट करता था, हमेशा सिंसियर रहता था, हर एक मेडिसिन का क्वालिटी, प्राइस और कस्टमर को वैल्यू प्रदान करता था। इतना फोकस था हर एक मेडिसिन पर, हेल्थ डिपार्टमेंट रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलता था। लोग जब जाते हैं उनके दुकान पे, सबको एक विश्वास था कि यहाँ से सही सोल्यूशन मिलता है। इनकेस जब कोई एक मेडिसिन अवेलेबल नहीं रहता है तब वो मैनेज करके देता है और उनके पास होम डिलीवरी ऑप्शन भी है। ऊपर से उनका दुकान मॉर्निंग 7 से लेके मिडनाइट तक ओपन रहता है, कस्टमर को 5 to 10% डिस्काउंट भी देता है, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और मैनेज करके चलता है, उनके कस्टमर को वैल्यू प्रदान करता है और कस्टमर के साथ एंगेज रहता है और कस्टमर से फीडबैक लेके खुद को डेवलप करता है और अपने काम को एंजॉय करता है। अभी हम आपसे पूछते हैं किस बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए आपके हिसाब से। डेफिनेटली एनर्जेटिक वन। और ये एनर्जी कहाँ से आता है? ये आता है आपके भीतर में जो एक स्पिरिट है, जो एक क्वालिटी है। जब आप खुश होते हो ये खुशी जहाँ से आता है ये है आपका पावर हब।
चलिए एक बार रिव्यू कर लेते हैं बिजनेस डेवलपमेंट एक्शन प्लान को, या एक नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस प्लान कैसे बनाएं। सबसे पहले एक नंबर में प्रॉपर मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करें। दो नंबर में एक ऐसा बिजनेस नाम चूज करें जो आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड हो और स्पेशल हो। तीन नंबर में आप एक पेपर में आपका पूरा बिजनेस आइडिया और प्लान को स्टेप बाय स्टेप लिखिए। चार नंबर में कैपिटल और फंडिंग कैसे होगा आपके बिजनेस का। पांच नंबर में एक सही बिजनेस लोकेशन चूज करें। छह नंबर में आपके बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस करें। सात नंबर में बेस्ट बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटजी क्या क्या है जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आठ नंबर में आपका बिजनेस रूल्स और रेगुलेशन क्या क्या है। नौ नंबर में आपके बिजनेस का प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग कैसे करेंगे। इसके लिए एक डिजिटल मार्केटिंग अभी लेटेस्ट ट्रेंड है, वो आप जरूर करें। दस नंबर में आपके बिजनेस को मैनेज और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ग्यारह नंबर में बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मंथली रिव्यू। बारह नंबर में कलेक्ट कस्टमर फीडबैक, आप कैसे आपके कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करेंगे और कस्टमर लिस्ट को ग्रो करेंगे, ये एक मनी मेकिंग मशीन जैसा है। सबसे बेस्ट है कोई एक इंस्टीट्यूट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का ट्रेनिंग लीजिए। लेटेस्ट ट्रेनिंग और स्किल ही मेन की पॉइंट है सब सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स के पीछे। आपको जानना पड़ेगा ये प्रोसेस कैसे होता है। एग्जाम्पल, जैसे खेत में एक अच्छा फलन के लिए एक सही बीज और सही टाइम और टेक्निक चाहिए, इसी तरह आपको आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सही सिस्टम जानना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए लिंक शेयर कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आप आपके रिज्यूमे में अटैच कर सकते हैं। किसी एक इंटरव्यू में इलोन मस्क से पूछा, कैसे एक बिजनेस ओनर मल्टीपल बिजनेस को रन कर सकते हैं। इलोन मस्क आंसर में बोले, हमने लास्ट 3 ईयर्स में 8 स्टार्टअप्स को कोफाउंड किया। सबसे बेस्ट वे है मल्टीपल बिजनेस को रन करने के लिए आपको अच्छा CEO चाहिए, हाईली फोकस्ड। लेकिन एक सही CEO मिलना मुश्किल होते हैं। एक सही CEO मिलने का मतलब है आपका 90% वर्क हो गया। लेकिन हमारे केस में CEO हायर नहीं होते, ये पार्टनर होते हैं मेन गेम में। लेकिन कोई एक ग्रेट बिजनेस ही बेस्ट होते हैं किसी 8 डिफरेंट बिजनेस से। मैक्सिमम टाइम में देखा गया है ये एक सही आइडिया नहीं है। तो आज हम जाने एक सही पर्सनल डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स है उनके स्ट्रेटजी से सीखे और कुछ बेस्ट बिजनेस वैल्यू और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। आपका जो लाइक है इसमें हमें मनोबल बढ़ता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।